गुड इवनिंग एवरी वन, हाउ आर यू? सो लास्ट टाइम सबसे पहले माई सेल्फ अश्वनी त्यागी, आपसे जो बात हुई थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. आप देखिए चीज़ें, हमने मॉल कॉन्सेप्ट पे कुछ लेक्चर्स पहले आप अटेंड कर चुके हैं, जहाँ तक हमने पहले अटेंड किया था उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आज, ठीक है? तो ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी आज शुरू हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आज क्या होने वाला है, उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मीन्स मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले चलिए कुछ जनरल चीज़ों से आपको रूबरू कराता हूँ. सबसे पहले मीट आर सॉलिड टीम, डॉक्टर सचिन कपूर, अश्वनी त्यागी, नमो सर एंड MSD सर. सो ये सब लोग आपको यहाँ पे डॉक्टर बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं. तो आप देखेंगे थोड़ी मेरी वॉइस आज चेंज्ड है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इसके साथ मैनेज करें. टीचर वही है, वॉइस का थोड़ा फ्रिक्वेंसी इधर उधर है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं गाइस. देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, वही एक जनरल डिस्कशन जो हमारा हुआ करता है. सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है. टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ब्राउजर में जाएंगे. ब्राउजर में जाने के बाद आप tinyurl.com/neetlivechat आप टाइप करेंगे. पंच इन करते ही आपके नीचे मोबाइल में ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, किसका, ज्वाइन का, ज्वाइन द ग्रुप. आप ग्रुप को ज्वाइन करते हमसे बात कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं हमसे शेयर कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा. सो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर करते हैं. तो शुरू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. देखिए ध्यान से, आपको मैं कुछ अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स उसके बारे में बता देता हूँ. एंड यू गाइज यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज टू नो दैट मैनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग अस. इनफैक्ट वी आई डिडंट एक्सपेक्ट, लेकिन जब मैंने देखा टीम के साथ बैठ के तो आई वॉज सरप्राइज. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी गाइज फ्रॉम द लाइक फिजिकली आई एम नॉट वेल टूडे, बट मेंटली कितनी खुशी होती है ये देख के बच्चे सीरियसली, कितना सीरियस है बच्चे अपने करियर को लेके, कि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं उन्होंने 2 ईयर सब्सक्रिप्शंस लेना शुरू कर दिया है. 2 ईयर सब्सक्रिप्शंस पे आपको क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल. आप जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें. अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे उसे इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे जाना है, प्लस के सब्सक्रिप्शन पे जाना है. वहां से आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्री मेडिकल डिविजन में जाना है. यहाँ पे प्री मेडिकल वाला जो बॉक्स बना है इसमें नीट एम सब्सक्रिप्शन लिखा है. 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन क्या, 1, 3, 6 एंड 12. तो कुछ बच्चों ने हमारे साथ 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले लिया है. दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, मींस वो समझ रहे हैं कि अनअकैडमी क्या है बेसिकली. तो चलिए, आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बहुत इजी, बहुत इकोनॉमिकल वे में मिलेगा. क्यों, क्योंकि अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सिर्फ 25,000 में है. 25,000 में भी आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट. कैसे मिलेगा डिस्काउंट, ध्यान दीजिए, डिस्काउंट तब मिलेगा आपको जब आप ये वाला कोड, ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे. वहां पे क्या है रेफरल कोड, NEETLIVE, NEET, NEETLIVE. ये कोड आपने यूज करना है तो आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 60 रुपीज पर डे में ऑफर किया जा रहा है. 60 रुपीज पर डे, थिंक अबाउट इट गाइज. तो चलिए शुरू करते हैं. अब हम जो हमारा लास्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन रह गया था, हमने लास्ट स्लाइड में क्या बातें की थी, हमने बात की थी लिमिटिंग रिएजेंट की. तो वहीं से शुरू कर रहा हूँ. लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कैसे टैकल करते हैं, बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी. आज उसी के ऊपर एक और क्वेश्चन, और कुछ बच्चों की जो डिमांड्स आ रही थी कि सर कुछ क्वेश्चन और कराइए, DPP में मैंने इस पर क्वेश्चन डाले हैं. सो DPP के क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है गायस, हमने जो बातें की थी उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ. हमारे पास ये किसके ऊपर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बेस्ड है किसके ऊपर, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर. आप देखो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये देखिएगा इसके कितने मोल्स दिए गए हैं, 0.5 मोल्स दिए गए हैं. इसके कितने मोल्स दिए गए हैं हमें, 0.2 मोल्स दिए गए हैं. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्ड. तो क्या करना है गाइज इसमें, सबसे पहले आप देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है. क्या करना है, रिएक्शन को लिखना है. तो रिएक्शन मैंने लिखा सबसे पहले किसके साथ, H2SO4, जानते हो ना H2SO4, H2SO4 प्लस इसका हमने किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन लिखा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनता है गाइस, प्रोडक्ट बनता है CaSO4. प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, CaSO4 प्लस, यस,
CaSO4 plus 2H2O. क्या प्रोडक्ट बना? 2H2O. ओके गाइस, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे रिएक्शन तो आपको पता चल गई, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है. ये क्या होता है? एसिड. और ये क्या होता है? बेस. सो ये एसिड बेस रिएक्शन हमारे पास है सिंपल. तो यहाँ पे क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर. तो ध्यान दें, हमें बोला गया है इसके कितने मोल्स लिए गए हैं हमारे पास? 0.5 मोल्स. कितने मोल्स हैं इसके? 0.5 मोल्स. इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास? 0.2 मोल. अब हमें पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, दोनों का कोफिशियंट क्या है. 1:1. यहाँ से देखो इसका भी 1 है, यहाँ से देखो इसका भी 1 है. तो इनका स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1:1 ही है. तो इसका मतलब ये वाली प्रॉब्लम तो यहाँ पे आनी नहीं है. अगर स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अलग अलग होते तो हमें प्रॉब्लम होती. यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अलग अलग नहीं है. तो क्या करेंगे मेरे बच्चों? इस पे आपने क्या करना होता है? इसको डिवाइड किया हमने 1 से, इसको भी हमने किससे डिवाइड किया? 1 से. तो 1 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे जिसके मोल्स कम है वही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट. तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ गया? ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता है क्या है, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो ये डिसाइड करेगा कितने मोल बनेंगे. तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने मोल बन सकते हैं गाइस? इसके ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने मोल बना सकते हैं? 0.2, क्योंकि इसके एक से इसका एक बनता है. आप इन दोनों को देखेंगे सिर्फ, ठीक है ना? इसके एक से इसका एक मोल बनता है. तो इसके 0.2 से इसके कितने बनेंगे? 0.2 मोल ही बनेंगे. आसान था क्वेश्चन, मज़ा आया. तो आपको देखना है कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं, और सारा केमिस्ट्री ही आसान है. इट इज़ जस्ट लाइक प्लेइंग विथ टॉयज. बस आपको पता होना चाहिए कि उन टॉयज के साथ प्ले कैसे करना है. उसके लिए आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आप ध्यान दें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी नीट में, एम्स के एग्जाम में. अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, परसेंटेज यील्ड के लिए हम लोग बात करेंगे. तो यहाँ पे ध्यान दें, ये हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज यील्ड क्या होती है? तो कुछ रिएक्शंस हमारे पास ऐसी होती हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के जानने के बावजूद भी हम लोग गलतियां कर देते हैं. क्यों कर देते हैं गलतियां? क्योंकि हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन हमने वहां पे क्या एज्यूम किया गाइस? हमने वहां पे एज्यूम किया कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है. अगर रिएक्शन कंप्लीट ना हो रही हो तो क्या होगा बताइए? अगर रिएक्शन ही कंप्लीट ना हो रही हो तो क्या होगा? अगर रिएक्शन कंप्लीट ना हो रही हो तो उस केस में आपने क्या लगाना पड़ेगा? परसेंटेज यील्ड लगानी पड़ेगी. एक्चुअल यानी जो हमें मिला, थ्योरेटिकल यानी जो हमने कैलकुलेट की थी, ये वो है जो हमें मिला, जो एक्चुअली मिला. ओके, और ये क्या है जो हमने कैलकुलेट किया था? ये क्या था जो हमने कैलकुलेट किया था? ये वो था जो हमने कैलकुलेट किया था. इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? आप परसेंटेज यील्ड पे आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज उस रिएक्शन की बात कर लेते हैं जो हमने अभी लिखी थी. सपोज क्या था? H2SO4. इसी रिएक्शन की बात कर लेते हैं, प्लस CaOH होल ट्वाइस. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या है. मिलके क्या बना गाइस? यहां से बना CaSO4. ओके, प्लस क्या हो रहा है? 2H2. तो जरा ध्यान दें आप लोग, हमें बोल दिया गया है कि जो ये रिएक्शन होती है ये कितनी होती है? सिर्फ 80% होती है. ये रिएक्शन क्या है हमारे पास? 80% होती है. तो हमें या 80% हम निकालेंगे कैसे? सपोज इस रिएक्शन में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितने मोल बने थे? हमने इसके कितने लिए थे? 0.5. इसके कितने लिए थे? 0.2. हमारे पास इसके ज्यादा से ज्यादा कितने बने थे? 0.2. यही था प्रीवियस क्वेश्चन. यू रिमेंबर और नॉट? यही बात थी बिल्कुल. यस, यही बात थी. तो चलिए ध्यान दें, अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है से मोल्स फॉर्म्ड, एक्चुअल मोल्स. एक्चुअल मोल्स कितने हमारे पास जो एक्चुअली मिला? एक्चुअली हमें कितना मिला? 0.18 मिला. मिलना कितना चाहिए था? 0.2. मिला कितना? 1.8. तो आप इससे बता सकते हो कि रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई है. तो हमारे पास आ जाएगा परसेंट YIELD इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल अपॉन 0.2 इंटू 100. मतलब समझ गए? यानी यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेसिमल हम उड़ा देते हैं, हमने यहां से डेसिमल उड़ा दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया 18. यस, हमारे पास कितना हो जाएगा ये, अगर मैं 100 और नीचे कितना आ गया ये 1800 और नीचे, यस नीचे कितना आ गया? 20. तो हमारे पास देखो 0 से 0 कैंसिल. भाई दो डेसिमल हटा रहे हो तो 2 0 1
दोनों डेसिमल हटेंगे ना यहाँ से, उसके दो हैं तो इसका भी दो डेसिमल पॉइंट से हटेगा, तो ये आ गया दिस दिस, तो हमारे पास आ जाएगा 90%। तो आप देखो कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब समझिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो हम लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या मान के चलते हैं गाइज, उस टाइम पे हम लोग मान के चलते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है वो 100% हो रही है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। कुछ रिएक्शन क्या होंगी 100% से बहुत कम होंगी, कुछ रिएक्शन क्या होंगी 100% हो सकती हैं, हो जाएं, तो हम जो मानते हैं वो हाइपोथेटिकल होता है, तो जो एक्चुअल मिलता है हम क्या, अब उस जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें जब हमने निकाला था पॉइंट टू, तो हमने ये मान के निकाला था कि रिएक्शन क्या हो रही है 100% हो रही है, तो अगर रिएक्शन 100% ना हो रही हो तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक्चुअल यील्ड, यील्ड को कहते हैं प्राप्ति, परसेंट एक्चुअल प्राप्ति अपॉन थ्योरेटिकल प्राप्ति इनटू 100, यानी हमें कितना मिला, हमें इस रिएक्शन में जो टोटल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.18 ही मिल रहा है, मिलना कितना चाहिए था 0.2, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो हमारे पास रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट ही निकालने के लिए, ये बताता है कि रिएक्शन क्या बताता है ये हमें, कि रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई, रिएक्शन कंप्लीशन के बारे में बताता है, क्या बताता है ये, रिएक्शन कंप्लीशन के बारे में हमें आइडिया देता है, समझ रहे हो आप, तो रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई ये बात इससे पता चलती है हमें, गॉट इट गाइस। तो जब भी कभी आपको परसेंट यील्ड दी गई हो तो आप उसे क्या करोगे, इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 कर लेंगे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअल कितनी है, 100% निकाल लो पहले, 100% तो आप निकाल ही सकते हो क्योंकि मान लोगे कि रिएक्शन क्या हो रही है 100% कंप्लीट हो रही है। तो देखो ये टॉपिक भी अच्छा है किसके लिए, नीट के लिए, इट इज हॉट फेवरेट टॉपिक फॉर नीट, इट इज हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ नीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आपको आ गई है, रिएक्शन कोई भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, ये बात आपने दिमाग में रखनी है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, क्या आ गया, ये बहुत अच्छा है, ये लॉ आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है, बहुत सारा फ्रीडम देता है, लेकिन साथ में आपने ये भी याद रखना है कि फ्रीडम के साथ साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दें, ये बहुत सारा आपको फ्रीडम देगा, क्या आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी, रिएक्शन बिना बैलेंस किए भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना बेटा, तो रिएक्शन को बिना बैलेंस किए भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन व्हाट इट सेज, ये क्या बोलता है आपसे, ये बोलता है इन ऑल केमिकल रिएक्शंस, किस हर केमिकल रिएक्शन के अंदर, मैं याद रखिएगा यहां पे सिर्फ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम्स कंजर्व नहीं होते हैं, इन ऑल केमिकल रिएक्शंस एटम्स और मोल्स ऑफ एटम्स, एटम्स और मोल्स ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कंजर्व, आर ऑलवेज कंजर्व, यानी ना तो एटम क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, यानी एटम क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, एटम का जो नंबर है, अगर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 10 थे, ठीक है ना, तो रिएक्शन के बाद भी क्या रहेंगे, वो 10 ही रहेंगे, टोटल रिएक्टेंट के प्लस प्रोडक्ट के क्या रहेंगे, 10 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होते हैं, ये लॉ, ये कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आपको बहुत फ्रीडम देता है। सो मेरे हिसाब से तो ये मेरा सुपर फेवरेट रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं बिना बैलेंसिंग के, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो इसकी प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये आप तभी लगा सकते हो जब आपको सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट पता हो, अगर कुछ रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट आपको मालूम नहीं है तो ये रिएक्शन ये क्या होगा, आप लगा ही नहीं सकते, तो इसमें बैलेंसिंग की जरूरत तो नहीं है, बट यू मस्ट नो ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, स्पेशली प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी एक चीज मिसिंग हो गई, एक भी चीज मिस कर गई, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या बोलता है, ये बोलता है सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है, ये इसमें सपोज हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है ए टू प्लस बी टू मिलके क्या बना रहा है, टू ए बी मिलके क्या बना रहा है, टू ए बी, तो आपने यहां पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को नहीं रखना है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई ज्यादा लेना देना यहां पे होगा नहीं। देखिए ये क्या कहता है, मैं किसके लिए लगाऊं, अगर मैं पीओएसी किसके लिए लगा रहा हूं, पहले ए के लिए लगा के दिखाता हूं और फिर बी के लिए लगा के दिखाता हूं, ठीक है, मैं पहले ए के लिए लगा के दिखाता हूं आपको और फिर बी के लिए, तो देखिए ए के लिए अगर मैं पीओएसी लगाऊं तो क्या आ जाएगा हमारे पास गाइस, ए के लिए पीओएसी लगाइए सबसे पहले, तो पीओएसी फॉर ए,
अगर मैं ए के लिए लगाऊं POAC, तो हमें करना क्या है, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं, जितने रिएक्टेंट में ए के एटम होंगे ओके उतने ही प्रोडक्ट में होंगे अगर रिएक्शन कंप्लीट हुई है तो ओके यहां पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, यहां पे देखो POAC तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ए इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ए इन प्रोडक्ट्स। मतलब समझ गए आप लोग, तो जितने भी प्रोडक्ट है उन सबको लेना पड़ेगा, जितने भी रिएक्टेंट है जिनमें ए है उन सबको लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो जरा इसे इसे थोड़ा सा दूसरे कलर से देखिएगा आप लोग, मैं ये वाला कलर यूज कर रहा हूं, विजिबल रहेगा आपको। तो यहां पे कितने हमारे पास, इसके अंदर ए के कितने एटम्स है, दो, तो यहां पे ए टू के मोल्स यहां पे आ जाएगा 2 × अगर मैं इसके मोल्स ले लूं तो एक मोल के अंदर ए के कितने एटम्स है, कितने मोल्स होंगे, ए के एटम्स के कितने मोल होंगे, दो, क्योंकि इसके अंदर ए के दो एटम्स है, तो एक मोल के अंदर ए के कितने मोल्स ऑफ एटम्स होंगे, दो मोल, तो दो से मल्टीप्लाई कर लिया इनटू क्या आ गया, मोल्स ऑफ, यस, मोल्स ऑफ ए टू, समझ गए, 2 × मोल्स ऑफ ए टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, यस, 1 × मोल्स ऑफ ए बी, मोल्स ऑफ ए बी। मतलब समझ में आया, यानी आप क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि ए बी के अंदर एक मोल के अंदर कितने मोल एटम्स ऑफ ए है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसका यहां पे कोई लेना देना है नहीं, इससे आपको कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनका कोई ज्यादा रोल यहां पे होगा नहीं। तो देखिए ध्यान से, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × मोल्स ऑफ ए टू, 2 × मोल्स ऑफ ए टू क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू ए टू अपॉन मोलर मास ऑफ ए टू, यस और नो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 × डब्ल्यू ए बी मास ऑफ ए बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए बी। ओके, सपोज हमें ये दिया गया है, हमें ये दिया गया है, हमें ये दिया गया है, तो हम ये निकाल सकते हैं, यस और नो, यानी एक सीधी इक्वेशन आपके सामने बन गई। दोबारा से रिपीट करूं इसे, चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाता हूं और मजा आएगा आपको, देखिए कितना इजी है ये बात समझ में आई आपको, या रिपीट करूं इसे, आप बताएं एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं इसे रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ध्यान से देखेंगे, यहां पे मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ए इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ए इन प्रोडक्ट, एटम्स पे लगा रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन है, ये मॉलिक्यूल कंजर्वेशन नहीं लगा रहे हैं हम लोग, क्या लगा रहे हैं, एटम कंजर्वेशन। ओके गाइज, यानी हमने एटम्स देखने हैं, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक गाइज। देखिए आप यहां पे देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं, शायद आपको बेटर समझ में आए ये। यहां पे देखें, हमें क्या दिया गया है, अ सैंपल ऑफ KClO3। मैं बहुत स्लो चलूंगा इस बार, मैं बहुत स्लो चलने वाला हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आने वाले क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा आपके साथ, ओके कूल है ना ये बात, थोड़ा स्लो चल रहा हूं, यानी मैं आपकी बात फील कर पा रहा हूं कि सर थोड़ा स्लो चलिए, तो थोड़ा स्लो चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं, इसके कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3 तीनों पार्ट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं, फर्स्ट पार्ट यहां करूंगा, सेकंड थर्ड उधर सॉल्व करेंगे। तो हमें दिया गया है अ सैंपल ऑफ KClO3, KClO3 को क्या बोलते हैं गाइस, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, KClO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। तो ये कंपोजिशन ऑन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब तो जानते हो ना, टूटना, इसका मतलब क्या होता है, टूटना, यानी टूटने पर इल्स व्हाट, इल्डेड व्हाट, 448 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। आप याद रखिएगा केमिस्ट्री में एनटीपी एसटीपी आप बराबर ही लेके चलें, ओके कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, एनटीपी एसटीपी आप याद रखना है, 22.4 लीटर वॉल्यूम आपने लेके चलना है एक मोल का। हालांकि बहुत सारे अगर आप गूगल करेंगे तो उस पर एनटीपी एसटीपी आपको अलग अलग दिखाएगा, वो हमें भी मालूम है लेकिन केमिस्ट्री में ये सेम ही रहता है, केमिस्ट्री में चेंज नहीं होता, केमिस्ट्री में सेम ही लेके चलना है आपने। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर अलग लेके चलते हैं, यहां पे जब मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो कैसे आ जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड सबसे पहले निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए गाइस, रिएक्शन चाहिए। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट में आपके सामने सॉल्व करता हूं, हमें क्या पता है KClO3 किस में टूट रहा है गाइस, 2 KClO3 टूट के क्या बना रहा है, 2 KCl + 3O2 यही तो बना रहा है।
टू के सी एल ओ थ्री मिलकर क्या बना रहा है, टू के सी एल प्लस थ्री ओ टू, समझ गए रिएक्शन, ये हमें मालूम होनी चाहिए, इसके बिना आप पीओ ए सी नहीं लगा पाओगे। अब देखो हमें क्या पूछा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, सो हमें वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें तो पीओ ए सी की जरूरत ही नहीं है, मोल्स ऑफ ओ टू इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ओ टू अपॉन डबल 2.4 लीटर इंटू कुछ नहीं, इतने आ जाएंगे मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास गाइस, ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, ये कितना हो जाएगा यहां से हमारे पास, यस ये आ जाएगा, वॉल्यूम को किसमें लेके चलना है हमने, लीटर में, क्योंकि नीचे 22.4 है, तो आप 448 ml को लीटर बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 4.448 लीटर अपॉन डबल 2.4, डबल 2.4 व्हाट इज इट, डबल 2.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास डबल 2.4, ध्यान से देखिएगा इसे, ये आ जाएगा डबल 2.4, तो गाइस कितना हो जाएगा ये, अब अगर मैं यहां से डेसिमल हटाऊं तो ये कितना लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, यस 44.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन डबल 2.4, सही बात है बिल्कुल, लिख सकता हूं ना इसे, बट डेसिमल हटाया 10 रेज टू द पावर माइनस 2 लिख लिया वहां पे, इन दोनों से कट गया ये 2 आ गया, तो ये कितने आ गए हमारे पास मोल्स, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, ये मोल्स आ गए कितने O2 के, O2 का क्या पूछा था हमें पहले वाले क्वेश्चन में, O2 का हमें पूछा था मास, तो हमें मोल्स पता है, मोल्स इंटू मोलर मास क्या होता है मास, तो हमारे पास आ जाएगा मोल्स मास WO2, WO2 विल बी इक्वल टू मोल्स 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू मोलर मास 32, तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 ग्राम, और या इसे आप क्या लिख सकते हो 0.64 ग्राम्स। आपको बात समझ में आई हो, इसमें पीओएसी लगाने की जरूरत नहीं थी, क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया गया था और मास पूछा था, वॉल्यूम दिया गया था मास पूछा था, मैंने आपको क्लास में बताया था, आगे देखिएगा ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हम मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कभी आपको वॉल्यूम दिया जाए तो मोल्स इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन डबल 2.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। याद आया या नहीं आया बेटा, जल्दी से बताएंगे, मुझे पक्के से यकीन है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है ना, W पूछा है हमें, मास पता है हमें 32 है, इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये कहां से आया लीटर में, आपको मालूम है वॉल्यूम किस में दिया गया है दिस, तो अगर मैं इसे लीटर बनाऊं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 448 मिलीलीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.448 लीटर्स, ओके मिली को 1000 से डिवाइड कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है बात, बिल्कुल ये बात आप एक बार देख लें, अच्छे से समझें, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे ये इमीडिएटली आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे, समझ में आ गई है तो लाइक करना है इसे, ठीक है ना, आज का हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है, ओके तो लाइक्स लगातार करते जाइए और इसे शेयर भी करते जाए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम को, एक्ट ऑफ काइंडनेस, जानते हो ना, अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो ये काइंड ऑफ एक्टनेस हो जाएगा फिर, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे आप लोग, आपने इसे शेयर करते रहना है, शेयर करोगे तभी फायदा होगा दूसरों को भी, सबका फायदा, सबके भले में ही भला होता है बेटा। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया, पहले पार्ट को देखिएगा, इसको मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, जल्दी से इसे नोट कर लें, इसका स्नैपशॉट आप ले लें, क्योंकि मुझे इसे डिलीट मारना पड़ेगा यहां से, और जगह मेरे पास है नहीं, अभी दो पार्ट, दो ऑप्शन इसके बाकी हैं, उनमें हमें पीओएसी भी लगाना है, उनमें हमें क्या लगाना है, पीओएसी लगाना पड़ेगा, तो मैं इसे एक बार आप लोगों के सामने, आप देख चुके हैं इसे अच्छे से, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं, ऐसे हम अब पीओ ए सी लगाएं इसके लिए, तो मैं दोबारा से एक बार फिर पीओ ए सी लगाऊंगा, उससे पहले मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, कर दूं क्लियर, आपको समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे क्लियर करने वाला हूं, अब क्लियर करने के बाद मैं दोबारा से इसी पे सॉल्व करूंगा इसे, तो ये मैंने इसे क्लियर कर दिया, अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे देखिएगा ध्यान से हमारे पास क्या आएगा बेटा, अब हमारे पास आने वाला है नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड वाले पार्ट पे अब जरा आ जाते हैं, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या पूछा है, वेट ऑफ के सी एल ओ थ्री ओरिजिनली टेकन, तो जरा अब हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकंड वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेकंड वाले पार्ट में हम लोग अब क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग अब बात करेंगे पीओएसी की, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन,
देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, मैंने रिएक्शन लिखी थी क्या थी, 2KClO3 चेंजिंग इनटू 2KCl प्लस 3O2, किसमें 2KCl प्लस 3O2। अब हमने क्या किया, वेट ऑफ KClO3 निकालने के लिए आप किस पे POAC लगा सकते हो, POAC लगा दो आप ऑक्सीजन के लिए, तो POAC फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम के लिए लगाएंगे। तो हमारे पास इसको तो हमें लेना नहीं है, इसको हमें लेना नहीं है, ऑक्सीजन इसमें है सिर्फ, तो जिनमें ऑक्सीजन है उन सब के लिए POAC लग जाएगा, इसमें है और इसमें है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन है, सिर्फ इन दोनों के लिए ही आप POAC लगाओगे। तो लगाओ POAC, अप्लाइंग POAC, तो रिएक्टेंट साइड में क्या हो जाएगा, कितने एटम है यहां पे ऑक्सीजन के, 3, तो 3 × moles ऑफ KClO3, समझ गए ये बात, यानी KClO3 के अंदर ही तो ऑक्सीजन है ना, और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है ऑक्सीजन के, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × तो 1 mole के अंदर कितने होंगे, 3 mole, और जितने मोल दिए होंगे उनके अंदर कितने होंगे, 3 × number of moles, बात समझे या नहीं। दोबारा से देखो, KClO3 के एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3, तो 1 mole के अंदर कितने होंगे, 3 mole, और दिए गए मोल के अंदर कितने होंगे, 3, करेक्ट ओनली। तो यहां पे हमने बिल्कुल वही किया, 3 × moles ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके अंदर इसे लेना नहीं है हमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर O2 के कितने एटम्स हैं, 2, तो जितने भी मोल्स होंगे उनके अंदर कितने हो जाएंगे, 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × moles ऑफ O2, क्या आ जाएगा, 2 × moles ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2, तो जरा रख दें, 3 × moles ऑफ KClO3 क्या हो जाएगा, गिवन मास W KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है KClO3 का, 122.5, ओके, ये निकालना है आपने, यहां से निकाल सकते हो, एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × moles ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 हमने अभी निकाले थे 2 मिनट पहले, कितने थे मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 हमारे पास कितने हैं, जल्दी से बताइए, हैं हमारे पास 0.6, मोल्स ऑफ O2 कितने आए थे, याद आया है नहीं, मोल्स ऑफ O2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, मोल्स ऑफ O2 हमारे पास थे 2 × 10⁻², याद आया, रखो यहां पे 2 × 10⁻², तो हमने यहां पे रख दिया, ये निकाल लोगे आप यहां से, देखो बिना बैलेंसिंग के निकल रहा है, इजी है बिल्कुल, इसको उधर ले जाइए, उसको इसके नीचे फेंक दो, तो WKClO3 हमारे पास क्या आ जाएगा, WKClO3 हमारे पास आ जाएगा 4 × 10⁻², अपॉन 122.5, और ये इंटू में जाएगा, ऊपर जाएगा ना वो, तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, इसको कहां जाना है, ध्यान से देखिएगा, ये कहां जाएगा, ये इधर डिवाइड में है तो उधर तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 122.5, और ये 3 कहां जाएगा, नीचे, तो ये अपॉन 3, दैट इज आंसर। तो ये आ गया हमारे पास मोल्स अमाउंट ऑफ KClO3 दैट वाज इनिशियली टेकन, समझ रहे हो, यानी हमने KClO3 का सीधे निकाल लिया। अब देखो जरा एक बार, अब नेक्स्ट पे वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, सो वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे गाइस, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड भी देखिएगा, अब हमें किस पे लगाना पड़ेगा, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड के लिए हमें इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, ये थर्ड पार्ट है इसका, आप लोग देखिएगा क्या है हमारे पास, 2KClO3 बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, चेंज हो रहा है किसमें, 2KCl प्लस 3O2 में, हमें क्या पूछा है, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, तो KCl के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में हो तो आप पोटेशियम एटम कंजर्व कर दो या क्लोरीन एटम कंजर्व कर दो, सही बात है ना, दोनों तरफ कंजर्वेशन किस पे लगाएंगे, यहां पे इसमें तो ऑक्सीजन है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब आप ऑक्सीजन के लिए तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन यहां लगा नहीं सकते, आपको किस पे लगाना पड़ेगा यहां पे, या तो पोटेशियम पे लगाना पड़ेगा या क्लोरीन पे लगाना पड़ेगा, दोनों में से किसी पे भी लगा दो आंसर आ जाएगा, कैसे, इधर देखिएगा, यूजिंग POAC, क्या करेंगे हम लोग, POAC यूज कर रहे हैं किसके लिए, यूजिंग POAC फॉर पोटेशियम एटम्स, किसके लिए यूज कर लें, पोटेशियम एटम के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास यहां से निकाल चुके हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा यूजिंग POAC फॉर KClO3 फॉर पोटेशियम या क्लोरीन, जिसमें से किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहां पे कितने हैं पोटेशियम, 1, 1 mole के अंदर 1 ही है ना, तो 1 × moles यस फास्ट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × इसके अंदर भी तो पोटेशियम का एक ही मोल है 1 mole के अंदर, 1 × moles ऑफ KCl, मोल्स ऑफ KCl, ओके, तो यहां पे देखो जरा हमारे पास ये हटा देना आप, KCl ही है, तो ये आ जाएगा WKClO3
अपॉन 122.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यस इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू के सी एल जो हमें पूछा है, अपॉन मोलर मास ऑफ के सी एल। मोलर मास ऑफ के सी एल कितना होता है 74.5। ओके तो ये हमें पता है, ये हमें पूछा है, निकाल सकते हो या नहीं? ये तो यहां से आ जाएगा ना, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये तो यहां से आपके सामने आ ही रहा है भाई, ये क्वांटिटी तो आप यहां से यहां रख सकते हो, ये सो नो। तो ये हमें पता चल गया कि मोल्स ऑफ KClO3 हम कैसे निकालते हैं, तो मोल्स ऑफ KClO3 भी हमें पता चल गया, मोल्स ऑफ दिस एवरीथिंग इज विजिबल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं या फिर टेलीग्राम आप पे आप शेयर करें। तो जिसके आपने देखो, फिर दोबारा से रिपीट करता हूं इस चीज को, जब आप क्या लगा रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा रहे हो, तो आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगाने के लिए आपने सबसे पहले देखना है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, ठीक है ना? तो उन एटम से क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, दूसरी साइड में देखेंगे प्रोडक्ट सारे, उनमें जिन जिन प्रोडक्ट्स के अंदर वो एटम है उन्हें क्या करेंगे, एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इजी, अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे साथ शेयर करें, ठीक है ना, हम लोग उस पर फिर दोबारा से आपके साथ मुखातिब होंगे। तो चलिए, खैर अभी तो और क्वेश्चंस बाकी हैं इसके, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। देखिए ये वाला और भी इजी हो जाएगा आपके लिए, इस वाले क्वेश्चन को आप देखें जल्दी से और मुझे बताएं कि इस वाले क्वेश्चन को कितने बच्चे आप में से सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट से, एक बार देख लो, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। दिया गया है 27.6 ग्राम्स ऑफ KClO3, कितना दिया गया है 27.6 ग्राम्स ऑफ KClO3 वाज ट्रीटेड विद अ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स सो एज टू कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन इनटू दिस, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, सो K2CO3, तो हम किसके ऊपर लगाएं, हम यहां पे देखो ध्यान से, हमें क्या दिया गया है K2CO3, थोड़ा सा ऊपर से लिखना शुरू करूंगा इस बार, क्योंकि बार बार हमें कमी पड़ जाती है स्पेस की, तो मैं स्पेस की इस बार आपको कमी नहीं पड़ने दूंगा। यहां पे देखिएगा हमारे पास क्या है, K2CO3, क्या है गाइस, K2CO3 कन्वर्ट किस में कर रहे हो हम लोग, K2ZN3 ब्रैकेट क्या आ जाएगा, FeCN होल सिक्स होल ट्वाइस। अब हमें इन दोनों में किस चीज के ऊपर आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, इसके अंदर हमें क्या पता है कार्बन, इसके अंदर हमें क्या पूछा है कार्बन, तो हमें कार्बन के ऊपर क्या लगा देना है, देखो बाकी चीजें तो कॉमन होंगी नहीं इसमें, हम इसके अंदर देखो ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑक्सीजन पे तो आप लगा नहीं सकते। यहां पे देखो हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम है तो पोटेशियम पे आप लगा सकते हो, ठीक है ना, पोटेशियम पे आप लगा सकते हो। आगे देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन इधर भी है, कार्बन के ऊपर भी आप लगा सकते हो, यानी यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आयरन इधर नहीं है, उधर आयरन है तो आयरन के ऊपर आप नहीं लगा सकते, इधर जिंक नहीं है, उधर जिंक है तो जिंक के ऊपर आप नहीं लगा सकते, यानी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किसके ऊपर लगेगा, जो दोनों में हो, समझ रहे हो ना बात को। अब देखो कितना इजी लेके चलेंगे इसे, जल्दी से लगाइए और मुझे बताइए इसका क्या आ रहा है फटाफट से, आपको एक मिनट देता हूं जल्दी से बताएंगे फटाफट से, किस पे लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है कार्बन के ऊपर लगाएंगे, तो जरा लगा देते हैं, चलिए मैं ही लगा देता हूं POAC फॉर कार्बन, किसके लिए लगाया हमने, कार्बन के लिए। तो क्या आएगा यहां पे, कार्बन के कितने एटम है एक मोल के अंदर, कार्बन के कितने मोल है, वन, तो वन इंटू यस मोल्स ऑफ K2CO3। अगर हम पोटेशियम पे लगाते तो दोनों तरफ दो दो से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहां भी दो है यहां भी दो है, देख रहे हो ना, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पे कार्बन के कितने मोल हैं, देखो 6 दुनी 12 6 टू जा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, समझ गए, रखो जरा। तो हमारे पास इसका मास हमें निकालना पड़ेगा, आप निकाल लोगे फटाक से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 into given mass, इसका mass तो दिया गया हमें, mass of K2CO3 upon इसका molar mass of K2CO3। guys समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल शेयर करते जाएं लगातार, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेजिटेट कर जाएं, into इसका mass हमें पूछा है, mass of इस पूरे compound का मैं क्या मान लेता हूं,
इस पूरे कंपाउंड का मैंने मान लिया x है, तो डब्ल्यू एक्स अपोन हमारे पास क्या आ जाएगा, अपोन हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ x, मोलर मास ऑफ x तो आप निकाल ही सकते हो यहां से। तो देखो ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमसे पूछा है, तो पुट वैल्यू गेट रिजल्ट। सीधे सीधे आप एकदम से यहां पे कर सकते हो। आप देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं ये, जिनके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशंस आप अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, समझ गए। तो चलिए जल्दी से मुझे बताएं इसका, K2CO3 का मोलर मास आपको पता है, इसका आप मोलर मास निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा इसका मोलर मास, आ जाएगा 39 into 2, कितना हो जाएगा ये 39 into 2 78, इसका Zn3, जिंक का 65 होता है, 65 into 3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 195। आयरन का लीजिए, आयरन का कितना है 56 into 2, सो कितना हो जाएगा 56 into 2, यस 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 फास्ट, ये आ जाएगा 112, और CN का, CN का इकट्ठा ही निकाल लेना एक साथ, तो उसका भी आप निकाल लेंगे, CN का कितना होता है एक का, CN का कितना है हमारे पास एक का 12 + 14 कितना होता है 28, 28 ही होता है ना, तो यहाँ पे कितने 6 तो ये है, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे 28 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 12 से, जो भी आएगा कितना आ जाएगा 280 + 24 यानी 304, है ना, सही बात है ना बिल्कुल। सो ये 304 आ गया, इसको जोड़ देंगे आप लोग, निकाल के यहाँ पे पटक देंगे, इसका आपको पता है, इसका आपको दिया गया है 27.6 grams, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जल्दी से आप इसे शेयर करेंगे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में के आंसर क्या आया, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, सारी कैलकुलेशन अगर मैं ही करूँगा तो आप क्या करोगे, हाँ आपको भी कुछ करना है। तो चलिए कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सीधे सीधे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा देना है, समझ गए ना बात को, समझ गए हो तो लाइक कर दो, और सब्सक्राइब तो आपने इसे बाद में करना ही है, सब्सक्राइब करते जाइएगा साथ साथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इसके ऊपर हमारे पास क्या है, व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड, हमें जिंक का मास रिक्वायर्ड कितना है ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड, पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा, थोड़ी तबीयत नासाज है आज तो इधर उधर जाएंगी चीजें, जल्दी से पढ़ें, व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन ऑफ HCl, बाय द रिएक्शन ऑफ HCl व्हिच इज इनफ टू प्रोड्यूस 4 moles ऑफ अमोनिया, हमें मोल्स ऑफ अमोनिया कितने दिए गए हैं 4 moles, ओके तो ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करेंगे, ये आप लोगों को मैं क्या दे रहा हूं होमवर्क, मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, देखूंगा कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया, एक तो खुद से भी प्रैक्टिस करो ताकि आपको लगाना आ जाए, ओके यू आर नॉट पैरालाइज्ड, आपको हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है, आपको हिंट देने की जरूरत है, आई नो माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इनफ, ओके दे आर गोइंग टू बी सुपर डॉक्टर्स, सो सुपर डॉक्टर्स बेटा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आप खुद से करें, किस पे लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किस पे लगा सकते हो आप, नाइट्रोजन पे लगा दो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन किस पे लगा दोगे नाइट्रोजन पे, तो दोनों तरफ नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे, यहां से हाइड्रोजन के मोल्स पता चल जाएंगे आपको नाइट्रोजन के मोल से, तो आप क्या करोगे इस पे वापस ले आओ, हमें क्या पूछा है, तो यानी आप यहां से शुरू करें, यहां से कहां जाए यहां पे, फिर यहां से कहां जाए यहां पे, तो आपके पास क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हिंट मैंने आपको दे दिया क्या है, ये होमवर्क है आपके लिए, जल्दी से इसे करके बताएंगे आप मुझे, ठीक है, ये शेयर करेंगे मुझे अगले लेक्चर से पहले। अब हम नए टॉपिक पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान दें इस बारे में क्या है, अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, सॉल्यूशंस की, उनकी कॉन्सेंट्रेशन की, सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको डे वन बता चुका हूं, होमोजेनस मिक्सचर, व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के बारे में अब दोबारा से फिर हम डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से एक बार देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितनी है, एक्सक्यूज मी सॉरी, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास कितनी है गाइस जल्दी से बताएं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितनी है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास 10 है, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है परसेंट बाय मास, दूसरी क्या है परसेंट बाय वॉल्यूम, तीसरी क्या है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, चौथी हम क्या लेके चलेंगे मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट ppm, नेक्स्ट क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ, नेक्स्ट क्या आ जाएगा मोलैलिटी, फिर मोलैरिटी, फिर नॉर्मैलिटी, एंड नेक्स्ट जो आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कर देते हो फॉर्मैलिटी, ओके
तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ गई। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम लोगों ने कैसे टैकल करना है मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं। देखिए जरा ध्यान से, यहां पे अब तक ये हम 10 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के इर्द गिर्द, इसके आसपास हम लोग घूमने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, और इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्विजेज में लूंगा इसके ऊपर आपके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़ जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है गाइस, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज व्हाट मास परसेंट और परसेंट मास बाय मास, मतलब परसेंट मास बाय मास। ये जो बाय का मतलब है डिवाइड, इसका मतलब ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी ये मास को मास से डिवाइड करने वाला खेल है। इसमें कभी भी यूनिट्स नहीं होंगी, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो क्या आ जाएगा अगर हम बात करें परसेंट मास बाय मास की, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करता हूं आपसे। सपोज हमने एक सॉल्यूशन हमने बना लिया, उस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, एक ए डाला है और दूसरा क्या डाला है, बी। ए का हमने कितने मोल्स लिए, ए का हमने कितने ग्राम लिया है, डब्ल्यू ए। बी का हमने कितना लिया है, डब्ल्यू बी। ए का हमने कितना लिया है, डब्ल्यू ए। बी का कितना लिया है, डब्ल्यू बी। तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू सॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो देखिए दोबारा से, हमने ए डाला इसके अंदर बी, और दोनों का हमने क्या लिया, सॉल्यूशन बना लिया। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, मास कंजर्वेशन सिंपल। तो अब हमारे पास परसेंट बाय मास क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पर डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, यानी यहां पे मैं ए को क्या मान के चल रहा हूं, सॉल्यूट। तो ये परसेंट बाय डब्ल्यू किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी। अगर मैं परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू किसकी लेके चलूं, ये परसेंट है, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू किसकी लेके चलूं, बी की। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जिसकी निकालनी है वो ऊपर, बाकी सब नीचे, डब्ल्यू सॉल्यूशन इनटू 100, ये परसेंट आ गया। डेफिनेशन से बात करें तो डेफिनेशन सुनिए जरा एक बार, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स परसेंट बाय मास और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। बात समझ में आ गया, जिसका निकालना है वो ऊपर, टोटल नीचे, इनटू 100। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान देंगे, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इधर थोड़ा फोकस कर लें, इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन, जल्दी से डॉक्टर्स, डब्ल्यू सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्यूट प्लस डब्ल्यू सॉल्वेंट इनटू 100। इसको तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप देखें, ये सारा मसाला तो सेम ही है, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, चाहे ऐसे लो, यानी इसको बदल बदल के लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, हमें क्या लेना है, मास अपॉन मास, मास अपॉन मास लेना है। तो यहां से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास टेक अवे हैं इसमें, पहले टेक अवे क्या है इसमें हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट टेक अवे क्या है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा और इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी, नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी, क्योंकि ऊपर जो मास लोगे नीचे भी वही मास लोगे, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम होगा, ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम होगा, ऊपर टन है तो नीचे भी टन ही होगा, यानी ये टन 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 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो देखिए आप ध्यान से, थोड़ा बीच बीच में तबीयत नासाज है लेकिन दिमाग तो ठीक है ना, तो हंस सकते हैं बीच में। ये आ गया हमारे पास परसेंट मास, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, जरा ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैं कराने की कोशिश करूंगा आपको जरा नेक्स्ट स्लाइड के बाद। ओके, तो चलिए ये बात समझ में आ गई, और कैसे समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि समझ में आ गई है, थम्स अप दिखाएं, ऐसे पता चल जाएगा कि आपको चीजें समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास क्या होती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, परसेंट बाय मास आपके सामने डिटेल में बता दिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंट बाय मास आ जाएगी।
टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, अब हमारे पास दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है गाइस, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे भी फोकस कर लेते हैं। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम क्या होती है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन की बात करूं अगर मैं, तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन देखिएगा जरा एक बार कितनी आसान है, क्या दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, समझ गए। सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स परसेंट मास बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट w अपॉन v, परसेंट w अपॉन v क्या आ जाएगा हमारे पास, यस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। इसकी यूनिट्स होंगी, बिल्कुल होंगी, ग्राम्स पर ml ही यूनिट होंगी इसकी, लेकिन ये डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी से अलग चीज है ये। तो याद रखेंगे यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, परसेंट बाय वॉल्यूम, मैं इंटर रिलेशंस आपको अलग स्लाइड में करके दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा परसेंट w बाय v। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे हमें बोल दिया जाए 20 ग्राम ऑफ यूरिया, 20 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml और 500 ले लेते हैं, 500 ml सॉल्यूशन, किसमें 500 ml सॉल्यूशन में। तो आप जरा ध्यान दें, परसेंट w बाय v कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू आ जाएंगे मास अपॉन वॉल्यूम, कितना 500 इंटू 100। सो 100 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 5, इससे कट जाएगा कितना आएगा 4, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4%। यानी ये 4% क्या है, w बाय v, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में क्या होगा, 4 ग्राम यूरिया होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा गाइस, 4 ग्राम यूरिया होगा। बात समझ में आई, इजी बात है, समझ रहे हैं ना। अरे इतनी छोटी छोटी बातों पे आप इतना टेंशन ना लें, ये तो बहुत आसान है। आगे आगे अभी आपने अपनी एनर्जी सेव करनी है, एनर्जी बचा के रखिएगा अच्छे टॉपिक्स के लिए। ये तो बस आपने पढ़ा और एकदम से दिमाग में घुस गया, तो ये तो वो वाले टॉपिक है। तो बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, क्योंकि हमें ध्यान रखना है हमें किस टॉपिक पे कितना ज्यादा अटेंशन देनी है, ये डिसाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो। प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसमें से, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बिल्कुल सिंपल है, और वैसे भी अगर कॉन्सेप्ट सिंपल है 2 to 4, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन का फायदा क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगी थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म गाइज। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जरा एक बार पढ़ें आप लोग मेरे साथ और बताएं क्या है ये। ये किसके लिए यूज होगी, जब दोनों के दोनों क्या हो, या तो लिक्विड हो या गैस हो, दोनों के दोनों क्या हो, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, या तो लिक्विड हो या गैस हो, तभी आप यूज कर सकते हो इसे। सॉलिड्स के लिए वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं होता, यानी ये किसके लिए आएगा, ओनली फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। इसे सॉलिड के लिए गलती से भी मत लगा देना। तो इसका मतलब क्या है, आप जरा फोकस करें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं आपके सामने, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी गाइज, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यस दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा परसेंट वी बाय वी, परसेंट वी बाय वी। सपोज हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, यहीं पे आपके सामने एक सॉल्यूशन बना देता हूं। सपोज हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर हमने ए डाल दिया और साथ में क्या डाल दिया, बी भी डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट, इसे मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, सॉल्यूट। तो अब जरा फोकस करने की कोशिश करें, यहां पे मैंने मान लिया इसका कितना वॉल्यूम है वी ए, और इसका कितना वॉल्यूम है वी बी, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। तो हमारे पास परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, आ जाएगी वी ए वी बी अपॉन वी सॉल्यूशन
इंटू हंड्रेड, इसकी यूनिट्स होंगी? नहीं, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होंगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट विल बी इक्वल टू वी, सॉरी दैट विल बी इक्वल टू, यस गाइस दैट विल बी इक्वल टू, इसे तो हटाना पड़ेगा हमें, फटाफट से बताएंगे, दैट विल बी इक्वल टू वी बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी ए प्लस वी बी इंटू हंड्रेड। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसकी यूनिट्स होंगी? नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, लेकिन फिर भी ये, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज होगा इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग एक साथ पढ़ चुके हैं, जरा एक बार इनके बारे में रिलेशंस आपको बता देता हूं फटाफट से। देखिए जल्दी से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें पता चल गई, अब जरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ी, परसेंट बाय मास, परसेंट मास बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, बताता हूं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, फिर एक क्वेश्चन भी जरा इसका ले लेते हैं बेटा। इसका एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सपोज हमें दिया गया है क्या, 20 ml C2H5OH, ये तो जानते हो ना, हॉट फेवरेट है सबका, ठीक है ना, आपका नहीं बुरे लोगों का, कितना 20 ml ऑफ C2H5OH इज एडेड टू 50 ml वाटर, फाइंड परसेंट वी बाई वी। तो आप खुद ही निकाल सकते हो, परसेंट वी बाई वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 upon 20 प्लस ये वाला फॉर्मूला ले जाएगा वी ए प्लस वी बी 50 into 100, तो कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 20 upon 70 into 100, समझ गए ना। तो यहां से देखो, इस जीरो से ए जीरो, तो ये आ जाएगा 2 into 100 upon 7, दैट इज आंसर। कैलकुलेट आप खुद कर लेना इसे, समझ गए ना बिल्कुल। तो यानी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन इसमें और परसेंट बाय मास में यही डिफरेंस है, परसेंट बाय मास की भी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, डिफरेंस कहां से आया, सिर्फ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं था। ओके गाइस, अब जरा इंटर रिलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। किसके बारे में बात करेंगे, इनके आपस में रिलेशन याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर रिलेशंस के जहां बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है, देखो इंटर रिलेशन हमें पता है, परसेंट डब्ल्यू बाय वी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, यही है ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू होता है इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, w सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। तो यहां पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, रख सकता हूं ना। तो ये इक्वेशन वन है, और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन टू, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू जरा क्या आ जाएगा बताएं फटाफट से, फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास आ जाएगा परसेंट, यस परसेंट डब्ल्यू बाय वी इज इक्वल टू आ जाएगा, यस गाइस क्या आ जाएगा, यहां से देखें जरा एक बार क्या हो जाएगा, ये परसेंट डब्ल्यू बाय वी इज इक्वल टू आ जाएगा परसेंट, यस ये आ जाएगा डब्ल्यू सॉल्यूशन, W सॉल्यूट क्या हो जाएगा, W सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या रख दोगे, नीचे रख दोगे ये क्वांटिटी, आ जाएगा W सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 100 तो वहां था ही पहले से ही, तो इक्वेशन टू से तो हमने सिर्फ यही वैल्यू रखी है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा परसेंट W बाय V, और ये क्वांटिटी आप देख रहे हो, ये क्वांटिटी क्या है हमारे पास, परसेंट W बाय W हम निकाल चुके हैं। तो परसेंट W बाय V गाइस, परसेंट W बाय V, मैं यहां से हटा रहा हूं इसे, इधर देखिएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा फोकस करें, परसेंट W बाय V हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहां से परसेंट W बाय V की बात कर रहा हूं मैं, तो परसेंट W बाय V हमारे पास हो जाएगा परसेंट W बाय V इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंट W बाय W
इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स पर सीसी. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ओनली. व्हाट इज इट? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. ओके, सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो इसे आप क्या कर दोगे, डब्बे में बंद कर दोगे. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ओके, जब भी कभी आपको परसेंट डब्ल्यू बाई वी को किसमें कन्वर्ट करना हो, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में कन्वर्ट करना हो, तो आप यही मेथड यूज करोगे. बात समझ में आई ना? थोकना इसे जहां भी जरूरत पड़े. नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमें पता चल गया. अब जरा दूसरे पार्ट पे देखिए इसके, फिर मैं तीनों को एक साथ लिखूंगा. अब जरा दूसरे पार्ट पे आ जाएं, दूसरे पार्ट में आप लोग फोकस करें. हमें पता है परसेंट डब्ल्यू बाय वी इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, यही है ना. तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, और नीचे क्या रहेगा हमारे पास, वॉल्यूम इन ml सॉल्यूशन का. अब जरा ध्यान दो, ये क्वांटिटी बच्चों बताना मुझे क्या है, ये क्वांटिटी हमारे पास परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है. तो परसेंट w बाय v इज इक्वल टू आ जाएगा परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट. इस बार सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं है, ये बात याद रखनी है. तो तीनों में रिलेशन क्या आ गया, तीनों में रिलेशन मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं आपको. तीनों में रिलेशन देखिए, हमारे पास तीनों में रिलेशन आ गया, परसेंट w बाय v इज इक्वल टू होता है परसेंट w बाय w इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू परसेंट v बाय v इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट. क्या जाएगा, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट. तो ये वाला जो डब्बा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है. तो ये है हमारे पास इनके इंटर रिलेशंस. ओके गाइस, क्या है ये, इनके इंटर रिलेशंस. इनके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, शॉर्टकट की तरह याद रखने पड़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ये बात समझ में आ गई, इसकी प्रैक्टिस करनी है. आज जाने के बाद कम से कम 10 मिनट इसका क्या करेंगे, 10 मिनट इसका रिहर्स करेंगे इसे. ठीक है ना, इसे 10 मिनट्स इसका रिहर्सल आपके लिए जरूरी है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, आप समझ पाए, आपका दिमाग क्लिक करे. बिना प्रैक्टिस के दिमाग क्लिक नहीं करेगा. ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट.